लोगों का वापस एक बार स्वागत है लंदन से। पता है आपको कि मैं लंदन में हूँ अभी फिलहाल, बट आज का दिन मेरे लिए काफ़ी स्पेशल है बिकॉज आई एम गोना डू अ रोड ट्रिप एंड दैट इज गोना बी फ्रॉम लंदन टू स्कॉटलैंड। जिन लोगों को कार चलाने का शौक है वो लोग लंदन टू स्कॉटलैंड रोड ट्रिप जरूर करते हैं। रोड्स आर ब्यूटीफुल एंड आई हैव अ ब्यूटीफुल कार विच इज मर्सिडीज फ्रॉम सिक्स्थ कंपनी। सो यहाँ पर है मेरी कार गाइस, सी। सो ये कार मैं आने वाले 7 दिन में चलाने वाली हूँ। वाई वे बॉस, अंदर से दिखाती हूँ बहुत जल्दी आपको गाड़ी पूरा फीचर्स एंड ऑल। गुना बी वेरी मच फन ड्राइव क्योंकि यहाँ से जब आप स्कॉटलैंड जाते हो ऑन द वे यू सी अ लॉट ऑफ कंट्री साइड्स, विलेजेस, टाउन्स एंड ऑल, जो बहुत ब्यूटीफुल होता है। तो सबसे पहले आज की मेरी जर्नी स्टार्ट होगी यहाँ से, लंदन से, लंदन की गलियों से। आई हैव टू बी वेरी केयरफुल क्योंकि लंदन इज़ वेरी बैड व्हेन इट कम्स टू ट्रैफिक जब गाड़ी चलाते हो तो। सो लेट मी स्टार्ट। फर्स्ट आई हैव टू लोड माई लगेज इन साइड एंड देन आई विल मूव। दिस लुक नाइस। आई हैव टू बी वेरी केयरफुल क्योंकि मुझे अभी ये गाड़ी जो है वो कंपनी की कार होती है तो बहुत ध्यान से आपको ड्राइव करके पहुँचना होता है। सो येस आई एम स्टार्टिंग माई ड्राइव फॉर टुडे, लेट्स मूव। क्या मस्त कार है, आई एम जस्ट सुपर एक्साइटेड गाइस फॉर दिस ट्रिप। आई कैन टेल यू बिकॉज ड्रीम कम ट्रू, ड्राइविंग एस क्लास इन लंदन। मज़ा आने वाला है। तो प्रॉपर गाड़ी सेट करती हूँ और फिर निकलती हूँ यहाँ से। आई एम गोना सी यू ऑन द रोड। सो अभी मैं यहाँ से निकल रही हूँ, जस्ट ग्रैबिंग सम फ्रेश ग्रॉसरी। इंडियन लगता है कोई तो। तो अभी मेरी रोड ट्रिप जो चालू हो रही है जिसमें मैं लूँगी 4 घंटा बिकॉज पहला जो टाउन है वो है यॉर्क, जहाँ पर मैं जाने वाली हूँ। दैट्स द बॉर्डर स्कॉटलैंड एंड लंदन का। अभी मैं यहाँ पर बाहर तक पहुँची हूँ क्योंकि मुझे लगा कुछ चिप्स एंड पानी का बॉटल सब ले लूँ, गाड़ी में रख देती हूँ, फिर उसके बाद रोड ट्रिप चालू करता। नहीं मेरी कॉफ़ी तैयार, मैंने बस ऐसे ही चिप्स एंड क्रॉसन ले लिया फिलहाल। तो ये जो रोड है वो जा रहा है टूवर्ड्स स्कॉटलैंड एंड टूवर्ड्स नॉर्थ साइड क्योंकि स्कॉटलैंड नॉर्थ में है, फिर ठंडी वहाँ पर ज़्यादा होने वाली है। और अभी मैं ड्राइव कर रही हूँ ये रोड पे और बिकॉज ऑफ कोल्ड एंड विंटर आप थोड़ा देख पाओगे कि सारे जो लीव्स है वो सारे ड्राई हो चुके हैं, बट रोड्स बहुत खूबसूरत है यहाँ के। लाइक जैसे मैं यूएसए, यूरोप के कंट्रीज़ में ड्राइव करती हूँ मुझे काफ़ी कुछ सिमिलर ही लगता है, बट या इट्स टोटली फन। पेट्रोल प्राइस है यहाँ पर 1.5, इंडिया से थोड़ा कम है बट काफ़ी है। सो एवरेज काफ़ी अच्छी दे रही है गाड़ी। मैंने सोचा अभी गाड़ी में पूरा टंक फुल करा देती हूँ एंड देन आई लीव फॉर माई अगेन नेक्स्ट रोड ट्रिप जो यहाँ से स्टार्ट होगी। दिस इज़ ऑन द वे। ऐसे यूरोप में और यूएसए में ऐसे बहुत सारे पेट्रोल स्टेशन होते हैं जहाँ पर आपको खाने पीने की सुविधाएँ हैं और पेट्रोल स्टेशन एवरीथिंग। तो अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो अंदर जाके आप हेल्प ले सकते हो, अदरवाइज इट्स सो इजी टू फिल पेट्रोल क्योंकि बस उठाना है, कार्ड स्वाइप करना है, दैट्स इट। पेट्रोल भर लिया है, सब सेट है, कॉफी भी मेरी मस्त सेट है, तो निकलते अभी यहाँ से। वैसे अभी रोड्स अच्छे हैं बट क्या है ना, थोड़ा बारिश के वजह से काफ़ी डार्क डार्क फील है। आई एम श्योर समर में ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि पूरा ग्रीनरी चारों तरफ। इट्स सुपर कोल्ड। सो गाड़ी में तो बिल्कुल वैसे भी ठंडी लगती नहीं है क्योंकि यहाँ पर एकदम वार्म होता है। मुझे वॉशरूम जाना था तो मैं यहाँ पर बाहर निकली थी। तो रोड ट्रिप इज़ अबाउट फन, रुकते रुकते जाओ, खाते पीते जाओ, बट अनफॉर्चुनेटली वेदर इतना ख़राब है कि मुझे मज़ा नहीं आ रहा है क्योंकि बिल्कुल सनी नहीं है, कुछ दिखता ही नहीं है बाहर, सब काला काला दिख रहा है। या स्टिल आई एम टेकिंग केयर क्योंकि काफ़ी बारिश भी हो रही है बीच में एंड ज़्यादा मैं व्लॉग नहीं करी बिकॉज रोड्स पर ज़्यादा कुछ देखने के लिए है नहीं। सो आई एम वेटिंग टू रीच टू द टाउन विच इज़ यॉर्क। चालू करते हैं। पेट्रोल पम्प और पेट्रोल पम्प, उसके अलावा कोई ब्रेक नहीं मिल रहा है समहाउ। एक चीज़ मैंने देखी, लंदन टू स्कॉटलैंड जब ड्राइव करते हो एज सच कोई बड़े फूड जोन नहीं आ रहे बीच में जहाँ पर खाना पीना मिले, रेस्टोरेंट हो। यानी मैं सुबह से कुछ नहीं खाया है, मैं चिप्स के ऊपर हूँ, एक कॉफ़ी के ऊपर हूँ और हर जगह से पेट्रोल पम्प आ रहे हैं स्मॉल स्मॉल ऐसे शेल सेलेक्ट, यू बाय सम सैंडविच फ्रोजन जो फ्रिज में होता है, पानी एंड ऑल। देखते अभी कुछ नूडल्स वूडल्स मिलता है। हियर आई विल गेट कॉफ़ी, भाई बियर, दारू, जो लेना है लो। You have vegetarian? Anything or chicken maybe? There's curry, beef, or chicken. Chicken, I'm okay with still. Okay. Deal of the day.
पीनट्स एंड मैगी। देखो इसमें चिकन मसाले में एनी पीसेस नहीं होता, मसाला थोड़ा होता है, बट फिर मुझे चलता है, मैं यही मैनेज करती हूँ अब्रॉड में। ये है मेरा लंच आज का, कॉफ़ी, पीनट्स, नूडल्स। अंधेरा इतना है भाई, कहीं पे भी लाइट्स नहीं है, और सेम मुझे फील हो रहा है। मैं जब अमेरिका में ड्राइव कर रही थी तो भी मुझे ऐसा ही लग रहा था कि लोग रास्ते में लाइट्स क्यों नहीं रखते हैं, बट गाड़ियाँ इतनी चल रही हैं कि उनकी लाइट्स काफ़ी है। वैसे अभी और 45 मिनट्स लगेगा पहुँचने में। हद ही हो गया, यानी पूरे रास्ते में बारिश है, पता है, अभी भी बारिश है, हर जगह बारिश है। अभी मैं गाड़ी पार्क करके पहले जाके पूछती हूँ यहाँ पर अगर होटल मिल जाता है, देन इज़ वेल एंड गुड। इतनी बारिश, पूरा ड्राइव का मज़ा ख़राब हो गया मेरा। आई मीन आई डोंट एंजॉय जब बारिश होती है। मेरे पास है छाता बट पूरा बैग में पड़ा है। हॉलीडे इन ये जो मुझे दिख रही है होटल, वहाँ जाके पूछती हूँ मैं। सो आई वॉज चेकिंग ऑन booking.com और मुझे लगा अब जाके बात कर लेती हूँ। चलो न्यूयॉर्क में मैंने अपना रूम बुक कर लिया है, अभी रूम रेडी हो रहा है और तब तक मैं बैठी हूँ। वेदर अच्छा है, ठंड नहीं है, बस बारिश है। मैंने लंदन में बहुत ज़्यादा ठंड था। आई एम हियर सेफली, बट या ड्राइव वॉज नॉट ग्रेट एज आई सेड। एक तो अंधेरा जल्दी हो गया एंड ऑल द वे वॉज रेनिंग, सो आई वॉज जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ड्राइविंग एंड नॉट डूइंग एनी यू नो अनदर वर्क। और देखती हूँ मैं, थोड़ा रूम में जाकर फ्रेशन अप होती हूँ, उसके बाद आई डिसाइड व्हाट टू डू। इट्स 6 o'clock इन द इवनिंग। इनफ रूम, या तो सब समझ रही थी, पता चल गया, मेरे पास मैप भी है। अभी मेरी कैब आ गई, मैं जा रही हूँ बाहर। भाई कैब ऐसे छोड़ के गई, नज़दीक था बस। फिर ये है सिटी सेंटर भाई, हर एक टाउन का वैसे सिटी सेंटर होता है, 3-4 अच्छी अच्छी जगहें हैं। ये तो अभी थोड़ा रात का है, ऑलमोस्ट टाइम टू क्लोज थिंग्स। थोड़ा दिन में ज़्यादा अच्छा होगा, बट स्टिल काफ़ी लाइट्स दिखाई दे रही हैं सामने। देखा मैंने लंदन में वैसे कॉफ़ी शॉप काफ़ी है, कोस्टा। तो अभी बस मैं चल के जा रही हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें तो बंद हो चुकी हैं। मुझे पता नहीं, क्रिसमस की वजह से थोड़ा वाइब अलग लग रहा है इस बार लंदन का। सो दिस इज़ द बॉर्डर स्कॉटलैंड एंड लंदन का, जो मैंने आपको बताया। और यहाँ से ये टाउन बस क्रॉस करते आगे जाते ही विल एंटर इन स्कॉटलैंड। कल थोड़ा हाफ डे मैं ये जगह एक्सप्लोर करूँगी, उसके बाद अगेन आई विल स्टार्ट माई ड्राइव। नाइस प्लेस, स्टेक कट एंड क्राफ्ट, आई विल फाइंड सम वेजिटेबल एज वेल, बट दे हैव वेटिंग। 45 मिनट्स लगेगा, तो तब तक मैं थोड़ा बाहर घूम लेती हूँ। अभी शाम के 7 बजे है, बट 7 बजे अभी ये हाल है, आई मीन सब कुछ बंद हो जाता है एक्सेप्ट फ्यू रेस्टोरेंट्स। सो पीपल फ्रॉम लंदन और स्कॉटलैंड, जिनको थोड़ा अलग वाइब चाहिए एंड पीसफुल स्टे चाहिए, दे कम ओवर योर टू यॉर्क। बिकॉज मैं आपको दिखाऊँगी जब सुबह का नज़ारा, तब पता चलेगा कि क्यों लोग आते हैं यहाँ पर। It's been 4 weeks since you called, and I've been waiting here for you all along. I've been waiting here for you all along. York's oldest licensed inn. Evil Eye. भाई इतने अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पर, लुक सो नाइस, पूरा फिल्मी वाइब है। आई एम नॉट गेटिंग ओवर, आई एम श्योर ये जगह दिन में काफ़ी खूबसूरत होगी, क्योंकि अभी रात को ये वाइब है, बट हाँ रात को पूरे लाइट्स है ऑल ओवर, इसलिए ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। बट दिन में लाइट्स नहीं होंगी, लोग होंगे, दैट वुड बी अगेन ग्रेट। मैम मुझे ये बहुत पसंद है, और जिस तरह से लोग देते हैं ना मसाला डाल के, उसके ऊपर लेमन एंड देन यू ईट, कितना क्यूट डेकोरेशन है एंड कितना नाइस वॉशरूम एरिया है। तो मैंने अभी कुछ ग्रिल मंगाया है, आई मीन लोगों के नाम भी डिफरेंट होता है, दैट आई रियली नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। सो द रेस्टोरेंट्स लुक प्रीटी गुड, चलो क्लोजली दिखाती हूँ। ये है फजीतास, इसमें वेजिटेबल्स हैं। ये प्रिपरेशन है उनका, सिंपल लैंग्वेज में ये रोटी है
इसके अंदर मुझे ऐड करना है और खाना है। यहाँ पर कॉलीफ्लावर, चीज़, ब्रोकली, ये पूरा एक सेट ऑफ मेन्यू है जिसके अंदर ये सारा आ रहा है। तो मस्त खाती हूँ मैं। I love the design, so nice. हाँ, it's night 9 o'clock. बस अभी यहाँ से चल के जाती हूँ, 15 मिनट में पहुँच जाऊँगी। I've reached back. इतना ज़्यादा बारिश था बाहर, अंब्रेला छोड़ दिया मैंने। Reached back hotel. I hope कल बारिश नहीं है, जो मैंने गूगल में देखा weather. And let's go back to the room. हर जगह मेरा तो शॉर्ट स्टे होता है और फिर भागना होता है। अभी फिलहाल गाड़ी में सामान रख देती हूँ और उसके बाद मैं निकलती हूँ यॉर्क सिटी देखने के लिए। मॉर्निंग तो वैसे पहले हो गई थी, बट ये दोनों बैग पैक करने में काफ़ी टाइम लग गया। ब्रेकफास्ट के लिए भी मैं काफ़ी लेट हो गई एंड आई वॉज लिटरली टायर्ड एंड फीलिंग सो कोजी। वेदर चेक करें ज़रा, जैकेट की ज़रूरत है कि नहीं। मेरे को इतना कलर पहनना अच्छा लगता है और उस चक्कर में मैं आ गई। ओह वाओ, इट्स नॉट दैट ग्रेट कूल, नाइस वेदर। चलो सामान लेती हूँ, यहाँ पर उठाने के लिए कोई नहीं होता है। कैमरा सब साइड में रख के आई हैव टू फिक्स माई लगेज। चलो फिर निकलती हूँ यहाँ से। छोटे छोटे इतने बसेस चल रहे हैं यहाँ पे, यू कैन गेट द टिकट्स, बट माई प्लेस इज जस्ट वॉकेबल टाउन। वापस थोड़ा थोड़ा बारिश चालू हो गया, इतना गुस्सा आ रहा है। इट्स विंडी एज वेल, तो मेरा जैकेट पहन लिया। ये जो है पूरा फ्लावर वेजिटेबल मार्केट। क्रिसमस के वजह से यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही हलचल है यॉर्क। तो ये पूरा उसका सेंट्रल मार्केट है जो कल रात को बंद था, बट फिलहाल ओपन हो चुका है। पीपल हु लिव नियर यॉर्क, एज आई सेड, क्योंकि लंदन बहुत ज़्यादा रश हो जाता है ना, तो जो क्रिसमस वाइब अगर लेना है तो लोग ये सब जगहों पर आते हैं। इट्स ब्यूटिफुल। I'm gonna get a coffee, जैसे मैंने ब्रेकफास्ट मिस कर दिया है। ये है लोकल मार्केट। अरे यहाँ पे इतने सारे कपड़े भी बेच रहे हैं, बैग्स, क्लोथ्स, लोकल फैशन, यू गोना सी ओवर हियर आई एम श्योर। ओह माय गॉड, आई कैन सी लॉट ऑफ बूट्स। सीरियसली आई नीड टू सी व्हाट्स द प्राइस। यार यहाँ पर बूट्स इतने सस्ते मिलते हैं, पता है आपको? विंटर वाली जगह होती है ना, वहाँ पर बहुत सस्ता सस्ता मिलता है सिर्फ बैग्स एंड ऑल एवरीथिंग। There is a castle in the city and the castle wall which you can walk and see is beautiful. So this is the old town kind of stuff. It's so good, no? यहाँ पर मैंने एक चीज़ ये देखी कि लोग शॉप में यहाँ अल्कोहल जिन बनाते हैं फ्रेश। The York Ghost Merchants. यार लोग यहाँ पर लाइन में खड़े उसके लिए। Just imagine, people are crazy, right? This is really interesting town, guys. They make chocolates, fresh chocolates over here. The homemade chocolates and the ghost merchants. So just imagine. Halloween में जो mostly use होता है, you can give them also your friends. I mean. यहाँ से इतना प्यारा दिख रहा है ना टाउन। चलो तो अभी मुझे पीनी है कॉफ़ी, खाना तो कुछ नहीं है। आई हैव समथिंग लंच में, लाइट सा लाइन में खड़ी रहती है। ये बैग लेके घूमने साथ में कैमरा ना हो तो वेरी स्ट्रेस, क्योंकि क्या होता है ना, फ्रीली घूम नहीं पाते हो। बढ़िया, सो इट्स फन बिकॉज आई एम एबल टू कैप्चर लॉट ऑफ गुड मोमेंट्स। इतना बड़ा कप कॉफ़ी का, बाप रे। 45 मिनट लग गया मुझे कॉफ़ी पीने में। वी फील दैट इट्स मूविंग, ये मूव नहीं कर रहा है, बट इतना क्यूट है, गिव सो नाइस फील।
इतना बड़ा चर्च तो मैंने कभी नहीं देखा, यूरोप में होता है बट नहीं देखा। तो यहाँ पर मैप है सारिया ओल्ड टाउन का। दिस इज द बेस्ट प्लेस टू सी इन यॉर्क, द चर्च एंड द सिटी वॉल। आह ग्रेट। सो एज आई सेड, दिस सिटी टाउन इज फेमस फॉर ऑल दिस। कैन यू सी यहाँ से स्ट्रीट कितनी खूबसूरत लग रही है, राइट? एंड थैंकफुल इट्स सनी, नॉट एग्जैक्टली सनी बट द स्काई इज सो क्लियर नाउ। यहाँ पर ये रिवर और यहाँ से चलती है क्रूज फॉर एन आवर और समथिंग, सिटी क्रूज जो क्रॉसिंग ऑल दिस ब्रिज गोइंग अराउंड। सामने भी दिखाई दे रहा है वो ब्रिज, तो ये तो बहुत कॉमन है यूरोप के हर एक जगह पर ब्रिज रिवर क्रूज एंड ऑल। हाउ क्यूट, दैट्स सम विलेज इनसाइड York, unique collection of design, gifts and all. I think the easiest way to see entire city, I mean entire city York, taking a hop on hop off bus tour and the walking tour in the old town where I'm right now, the castle, church, the river cruise, Christmas market, all these are very attractive of this town and I'm done with this place, but not exactly. So chalo nikalte hain yahan se और जाती हूँ टूवर्ड्स द कार। एंड थैंकफुली अभी फिलहाल अच्छा दिन है, आई मीन सनी। आई डोंट नो आगे क्या है, प्रीमार्क मेरा पीछा नहीं छोड़ता। सी अगेन आई फाउंड इट हियर। सो आगे शॉपिंग करने के लिए मुझे लगता है मुझे और 23 केजी खरीदना पड़ेगा जब मैं जाऊँगी वापस। कहाँ लेके जाऊँगी सब पता नहीं है, बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वेयर ऑल ऑफ दिस इवन ड्यूरिंग द विंटर और इन इंडिया। तो इंडिया में भी ये सब काम में आएगा ऑफकोर्स, राइट? आसमान इतना सुंदर लग रहा है अभी, थैंक गॉड अभी बारिश नहीं है। तो ये शहर छोड़ते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है, बट जाना पड़ेगा आगे। तो अभी यहाँ से मुझे 4-4.5 घंटा ड्राइव करना है। जहाँ पर मैं जा रही हूँ वो है एडिनबर्ग, विच इज़ द सिटी ऑफ स्कॉटलैंड। और सीधा मैं ड्राइव करूँगी, आई होप टू स्टॉप समवेयर जस्ट फॉर अ व्हाइल। ऑर्डर कर लिया थैंक गॉड। मुझे ये सब जगह पर ना वेजिटेरियन बर्गर्स मिल रहा है, कॉफ़ी बर्गर, फ्रेंच फ्राइज। मैं डर गई बीफ है कि नहीं, बट ये वीगन है, वीगन चीज़, वीगन पैटी, इसलिए ऐसा लगा। मैं वीगन वैसे बहुत कम खाती हूँ तो मुझे उसका टेस्ट ज़्यादा पता नहीं है, आई मीन, बट मेरे लिए आई थिंक हार्ड कि मैं वीगन खा पाऊँ, इट्स नॉट ईजी। तो ये टेस्ट अलग ही करता है एक्चुअली। वेजिटेरियन तक ठीक है बट वीगन खाना इम्पॉसिबल। अंधेरा होते होते पता भी नहीं चलता, एकदम सडनली ब्लैक आउट है। 4 बजे तो अंधेरा हो जाता है और सुबह 8 बजे सनराइज होता है। सच अ शॉर्ट डे, और इसलिए लोग बोलते हैं कि ये सब जगह ट्रैवल करना समर में ज़्यादा मज़ा आता है। तो अभी मुझे तो और 2.5 घंटा यहाँ से ड्राइव करना है। जैसे आपको दिख रहा है हाईवे, मैं नॉन स्टॉप बस सीधा चला रही हूँ, आगे कुछ ट्रैफिक जैसा दिख रहा है, पता नहीं क्या है। लेट्स सी, देहराम इज अ सिटी और अभी स्कॉटलैंड में एंटर हो चुके हैं, बट ट्रैफिक काफ़ी है यहाँ पर भी रोड पे। भाई फाइनली पहुंच चुकी हूँ मैं स्कॉटलैंड एडिनबर्ग। व्हाट अ जर्नी। अभी मैंने गाड़ी साइड में पार्क कर दी है, आई एम सुपर टायर्ड। पूरा अंधेरा हर जगह, कहीं पे भी एक भी स्ट्रीट लाइट्स नहीं, रोड्स आर नॉट ग्रेट। आई मीन दिन में भी मैंने देखा कुछ भी नहीं है ऑन द वे, रात को भी एकदम सन्नाटा था। बट सम हाउ अभी मैंने यहाँ पर पार्क किया एक रेस्टोरेंट के सामने, आई वॉज जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड, क्योंकि मैं होटल्स बुक नहीं करती हूँ। तो जब भी मैं कोई भी जगह पर आती हूँ एंड देन आई बुक माय होटल्स, आई चेक कि कौन से नज़दीक में होटल्स है, क्या प्राइस में मिल रहा है, देन आई कॉल देम, देन आई इंक्वायर। तो मैंने एक दो होटल्स को कॉल किया है, तो उनके आंसर का मैं वेट कर रही हूँ। द ब्यूटीफुल स्ट्रीट, आई एम जस्ट आउट ऑफ द कार नाउ, आई नीड टू ईट फूड। मुझे एक
इटालियन रेस्टोरेंट, खाऊंगी पिज्जा पास्ता और तुम जाके फ्रेश हो गए। चेक इन तो किया ही नहीं है, बाद में करूंगी। This is the restaurant in Edinburgh. आज तक मैंने अपनी लाइफ में ऐसा गार्लिक ब्रेड नहीं खाया। सो मैंने ऑर्डर किया था गार्लिक ब्रेड और वो पिज्जा साइज का था। आई एम फुल ऑलमोस्ट बट स्टिल आई हैव वन मोर ऑर्डर विच इज स्पगेटी। आई हैव टू गो इनसाइड। हाँ, थोड़ा खड़ा होके मैं फ्रेश फील कर रही हूँ बाहर और इट्स डिलीशियस। आई एम टेलिंग यू, वेरी टेस्टी। चलते चलते जाती हूँ मैं होटल में, चेक इन करती हूँ, बाजू में है। आ चुकी हूँ होटल में, पर पार्किंग यहाँ पर वो लोग दिखाएंगे कि कहाँ गाड़ी पार्क करनी है। और पार्किंग एग्जैक्ट होटल्स में नहीं होता है, यहाँ पर थोड़ा बाहर जाके ट्रेन पार्क भी होता है जहाँ पार्क करनी पड़ती है। यहाँ पर लगेज लेने भी नहीं आते, खुद ही लगेज रखना पड़ता है। मेन स्ट्रीट पे है होटल, नाइस प्लेस। चेक इन करती हूँ फटाफट और फिर सोती हूँ, थक गई हूँ मैं। बस चेक इन कर रहे हैं वो लोग, अभी मैं खड़ी हूँ। मैं इतनी ज़्यादा थक चुकी हूँ ना, आई कांट टेल यू। सुबह से स्टार्ट किया दिन, ऐसा लग रहा है कि ख़त्म ही नहीं होता है। रात के 11 बज चुके हैं। बट द ब्यूटीफुल डेकोरेशन हियर, सी वेयर आई एम स्टैंडिंग।